प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेन वुमन एंड डॉग में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लीशियस की सी फूड की वैरायटी। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले भी हमने लीशियस का एक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार भी कुछ नया ट्राई किया जाए। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने मैरिनेटेड फिश ऑर्डर किया था और ये इस तरीके के पैकिंग में आता है। इनकी वैक्यूम प्रेस्ड पैकिंग होती है, ये बिल्कुल एयर टाइट है। इनके इंग्रेडिएंट पैकेट में मेंशन है। हमने ऑर्डर किया था ज़ाफ़रानी प्रॉन्स, फिश अमृतसरी, फिश फिंगर्स और हरियाली फिश टिक्का। चलिए तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लीशियस में ऑर्डर कैसे करना है हमने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इन सभी को बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप गैस ऑन कर लें और एक पैन ले लें। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, ये 1 से 2 टीस्पून के करीब है। इनकी जो प्रॉन्स है ये काफ़ी फ्रेश है, ये लगभग 200 ग्राम के करीब है। ये इस तरीके के मैरिनेशन में आता है। इसे मैंने पहले एक बोल में निकाल लिया है ताकि जो मैरिनेशन है उसे हम अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लें। ऑयल गरम होते ही हम इसे 1 by 1 ऐड कर देंगे। प्रॉन्स को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है तो आप ध्यान रखें। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। जब तक ये कुक हो रहा है दूसरी तरफ मैंने गैस ऑन करके एक छोटी सी कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। यहाँ हमें डीप फ्राई करना है इसलिए हम ज़्यादा ऑयल ले रहे हैं। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम हमारे प्रॉन्स को देख लेते हैं। इसे हम एक बार पलट लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। दूसरी तरफ ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे फिश अमृतसरी। ये हमने फिश अमृतसरी को भी एक बोल में निकाल लिया है। अब इसे हम 1 by 1 ऑयल में ऐड करेंगे। आप एट अ टाइम सारा पीसेस ना डालें, जितनी आपकी कढ़ाई में आए उतनी ही डालें। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो ऑर्डर करने के बाद ये आपको व्हाट्सएप पे एक यूट्यूब लिंक भेजते हैं जहाँ पे इन्हें कैसे बनाना चाहिए उसका एक डिटेल वीडियो दिया गया है। लीजिए तो हमारे प्रॉन्स बनके तैयार हैं। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। आपको शायद क्वांटिटी कम लग रही होगी लेकिन एक पर्सन के लिए ये इनफ है। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही टेस्टी और फ्रेश है। आप चाहें तो इसे एज अ स्टार्टर खा सकते हैं। दूसरी तरफ हमारी फिश अमृतसरी एक तरफ से पक चुकी है, अब हम इसे धीरे धीरे दूसरी तरफ पलट लेंगे। अब ज़्यादा चम्मच ना चलाएं नहीं तो फिश टूट सकती है। फिश बहुत ही नाजुक होती है इसलिए इसे कुक करते वक्त आपको थोड़ा संभाल के करना पड़ता है। लीजिए तो हमारी फिश अमृतसरी भी बनके तैयार है, तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इसे किसी भी टिश्यू पेपर में निकाल लें ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। लीजिए तो हमारी फिश अमृतसरी भी बनके तैयार है। इसे भी आप एज अ स्टार्टर खा सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी है। चलिए तो अब बारी आती है दूसरे डिश बनाने की। उसके लिए मैंने वापस गैस ऑन कर लिया है और एक पैन ले लिया है। अब हम बना रहे हैं फिश हरियाली टिक्का।
ये दिखने में कुछ इस तरीके से होता है। इसे भी मैंने बोल में निकाल लिया है। अब जैसे ऑयल गर्म हो जाए इसे आप वन बाय वन ऐड कर दें। आप इसे ध्यान से ऐड करें क्योंकि जो तेल गर्म है तो इसके छींटे आपकी ओर आ सकते हैं। अब हम इसे पलट लेंगे। गाइस, अगर लॉकडाउन में सी फूड है खाना तो लीशियस से सी फूड जरूर बुलवाना। ये सारे सी फूड्स बहुत ही फ्रेश और बहुत ही यम्मी हैं और इन सभी का जायका टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। लीजिए, तो हमारी फिश हरियाली टिक्का भी बनके तैयार है और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। ये सारे फिश के टेस्ट एक से बढ़कर एक हैं। ट्रस्ट मी गाइस, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। अब बारी आती है फिश फिंगर को फ्राई करने की। इसे हम डीप फ्राई करेंगे। ये दिखने में कुछ इस तरीके से होता है। ऑयल गर्म हो चुका है और इसे हमने वन बाय वन ऐड कर दिया है। इसी तरीके से हम बाकी का भी फ्राई कर लेंगे। जैसे ये वन साइड से कुक हो जाए आप इसे चम्मच से दूसरी तरफ भी पलट लें। अब ये गोल्डन कलर का हो चुका है तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब बाकियों को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी सारी डिश बनके तैयार हैं। गाइज, अगर आप एक ही खाना खा के ऊब चुके हैं तो आप इस तरीके का खाना ट्राई कर सकते हैं, खास करके इस लॉकडाउन में। अब बारी आती है स्प्रेड्स की। गाइस, कोई भी स्प्रेड बुलाने से पहले आप उसका एक ट्रायल पैक बुला लें, जैसे हमने बुलाया है। यहाँ पे हमने बुलाया है सिरिराचा प्रॉन्स, माफ कीजिएगा अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है। तो आप इस तरीके का पहले एक ट्रायल पैक बुला लें और उसे टेस्ट करके देख लें तो आपके लिए इजी होगा कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, फिर ही उसके बाद आप बड़ी बॉटल बुलाएं। देखिए, दिखने में ये कुछ ऐसा होता है और इसमें प्रॉन्स के चंक्स होते हैं। आप इसे ब्रेड में या रोटी में रोल बनाकर खा सकते हैं। हमें इनका ट्रायल पैक पसंद आया था इसलिए हमने इसकी बड़ी बॉटल ऑर्डर कर ली थी। दूसरा हमने ऑर्डर किया है बचा गार्लिक प्रॉन्स। ये हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके थे इसलिए हमने सेकंड बॉटल मंगाया है। ये कुछ इस तरीके के पैकिंग में आता है। आपने चिकन में तो खाया होगा स्प्रेड, लेकिन आपको प्रॉन्स में भी ये स्प्रेड जरूर ट्राई करना चाहिए। ये अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अच्छे खासे प्रॉन्स के चंक्स भी हैं। बट एक बार ओपन करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख लें। बच्चे हो या बड़े, हर किसी को ये स्प्रेड जरूर पसंद आएगा। इसी प्रकार मैंने दूसरी बॉटल भी खोल ली है। इस फ्लेवर की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है। अगर आप रेगुलर जैम और स्प्रेड से बोर हो चुके हैं तो आप इस तरीके के स्प्रेड को लीशियस से जरूर ट्राई करें। गाइस, प्लीज किसी भी तरीके का नेगेटिव कमेंट डालने से पहले आप एक बार वीडियो पहले अच्छे से देख लें। और जैसे कि हमने कहा, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, हमने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जैसे हम रेस्टोरेंट से या बाहर से खाना बुलाते हैं वैसे ही हमने लीशियस से ट्राई किया और हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं और वही एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकॉन है तो आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम इस तरीके का नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हैं जहां हमारे चैनल मैन वुमन एंड डॉग्स रिलेटेड हम अप टू डेट पोस्ट करते रहते हैं, तो आप हमें वहां भी फॉलो करिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, खुश रहने दो। प्रेज द लॉर्ड। बाय।